हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी डेली पोस्ट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूलों में होने वाली भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संविदा भर्ती के माध्यम से 9 मार्च 2022 को यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवार अगर वे शिक्षकों के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो संबंधित पोस्ट के आधार पर अपने सभी दस्तावेजों को स्वप्रमाणित संलग्न करके इनके कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ पिन 497335 के पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 25 मार्च 2022 को पोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कोरिया जिला के लिए यह 5 अंग्रेजी स्कूलों में वैकेंसी निकाली गई है, जिनके पोस्ट डिटेल की बात करें तो यहां पर स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल महलपारा जिला कोरिया के लिए व्याख्याता पोस्ट पर 2 पद निकाली गई है, जिनके सैलरी की बात करें तो 38,100 रुपये और यह वाणिज्य विषय के लिए निकाली गई है। वहीं बात करें इंग्लिश स्कूल चिरमिरी के लिए तो व्याख्याता पोस्ट पर वाणिज्य सब्जेक्ट के लिए 2 पोस्ट निकाली गई हैं, इनका भी सैलरी 38,100 रुपये है। वहीं बात करें इंग्लिश स्कूल सोनहत के लिए तो यहां पर व्याख्याता के लिए वाणिज्य भौतिक और सामाजिक अध्ययन में पोस्ट निकाली गई है। वहीं पर शिक्षक पद के लिए अंग्रेजी विषय में निकाली गई है, इनके सैलरी की बात करें तो व्याख्याता के लिए 38,100 रुपये है और वहीं पर शिक्षक पद के लिए 35,400 रुपये रखी गई है। नेक्स्ट बात करें इंग्लिश स्कूल मनेंद्रगढ़ के लिए तो यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें व्याख्याता के लिए 2 पोस्ट हैं और सहायक शिक्षक के लिए 2 पोस्ट हैं, जिसमें कला और गणित अलग अलग सब्जेक्ट पर निकाली गई हैं। व्याख्याता के लिए इसमें 38,100 रुपये है, वहीं पर सहायक शिक्षक के लिए 25,300 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा इंग्लिश स्कूल भरतपुर के लिए बात करें तो यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें व्याख्याता के लिए वाणिज्य और सामाजिक अध्ययन में निकाली गई है। वहीं पर व्यायाम शिक्षक के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें 35,400 रुपये देखने को मिलेंगी। इनके शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, जैसे कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर पर व्याख्याता पद के लिए आप आवेदन करते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से जो दिए गए सब्जेक्ट होंगे उनमें अंग्रेजी माध्यम में आप 50% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर या समकक्ष होना चाहिए। इसके अलावा आपका बीएड कंप्लीट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास इन विषयों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएँ हैं तो आप इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। माध्यमिक शाला स्तर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में उस विषय के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा बीएड प्रशिक्षण अनिवार्य माना गया है। इसके अलावा जो सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता यानी कि TET में परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर की बात करें तो यहाँ पर सहायक शिक्षक के लिए अंग्रेजी माध्यम के पदों पर अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 50% अंकों के साथ DED या DLED प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके अलावा अध्यापक पात्रता परीक्षा में TET में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब इनके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों को 9वीं के आगे जो भी आप पढ़ाई किए होंगे उसमें मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में आपको पूर्ण किया जाना अनिवार्य मांगा गया है। और यहाँ पर जो जिला संवर्ग के अंतर्गत विज्ञापित पद यानी कि जो तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों के लिए जो भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं तो उसमें केवल कोरिया जिले के स्थानीय निवासी ही नियुक्त होने के लिए पात्र होंगे। और जो शेष विज्ञापित पदों के लिए कोरिया जिले के जो मूल निवासी होंगे उनको 5 बोनस अंक की पात्रता दी जाएगी। दोस्तों, इन पदों का सिलेक्शन मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, व्याख्याता, इन पदों की सिलेक्शन प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। इन पदों पर आवेदन करने के लिए कितनी एज लिमिट रखी गई है तो यहाँ पर देखिए, 1 जनवरी 2022 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जिनके सत्यापन के लिए आपको 10th का मार्कशीट लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर जो भी इच्छुक आवेदक आवेदन करना चाहते हैं उनको एक पद के लिए केवल एक ही फॉर्म भरना होगा, जिसमें उनको विद्यालय के जो प्राथमिकता क्रम होंगे उन्हीं के आधार पर संविदा नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यहाँ पर इनके द्वारा कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप आवेदन करिएगा। दोस्तों, इनके द्वारा एक क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है कि आपको एक स्टाम्प पेपर में आपने अंग्रेजी माध्यम में 9वीं, 10वीं, 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया है, इसके लिए आपको एक शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ आपको संलग्न करना अनिवार्य है, इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि आप आवेदन करने से पहले एग्जाम पेपर में एक शपथ पत्र भरना होगा कि आपने 9वीं से लेकर ऊपर जितने भी आपने पढ़ाई किया होगा उसमें आप अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण किए हैं।
इसके अलावा जो संबंधित पद के आधार पर जितने भी शैक्षणिक योग्यताओं का आप दस्तावेज सम्मिलित करेंगे उन सभी दस्तावेजों में स्वयं द्वारा सत्यापित करके इनके द्वारा दिए गए पते पर आवेदन पत्र और संबंधित दस्तावेजों के साथ जिसमें आप अपने स्वयं का पता अंकित करके उस लिफाफे में 10 रुपये का डाक टिकट लगाकर संलग्न करना होगा। और दोस्तों इस जॉब वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस जॉब नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ फाइल होते हैं हम अपने टेलीग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों इस जॉब नोटिफिकेशन में ही आपको आवेदन पत्र का प्रारूप भी मिल जाएगा जहां पर आप देख सकते हैं। यहां पर आप पूरी जानकारी भरने के बाद अपने संबंधित पोस्ट के आधार पर जितने भी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित दस्तावेज संलग्न करेंगे स्वयं द्वारा सत्यापित करने के बाद इनके द्वारा दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से पोस्ट करिएगा। तो दोस्तों यह रही कोरिया जिले के अंतर्गत 5 अंग्रेजी स्कूलों में निकाली गई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस जॉब से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसी तरह सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।